आज बनाएंगे बहुत कम ऑयल में आलू गोभी की बिल्कुल पार्टी स्टाइल या शादी वाली सब्जी। तो बहुत ही बेसिक मसालों के साथ और बहुत ही कम ऑयल में हम ये बिल्कुल पार्टी स्टाइल सब्जी बनाएंगे। तो आइए बना लेते हैं बहुत ही टेस्टी बिल्कुल पार्टी स्टाइल सब्जी, वो भी बहुत कम ऑयल में। मैं शिखा भारद्वाज, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए। अब देखिए, यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का गोभी का फूल लिया है और यहाँ पे मैंने दो आलूओं को कट कर लिया है क्यूब्स में। और ये मैंने ऑयल गरम किया है, सरसों का तेल गरम किया है मैंने, 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। अच्छी तरह गरम कर लेंगे तेल को और फिर इसमें अपने आलू और गोभी फ्राई करेंगे। पहले मैं गोभी डाल देती हूँ इसमें। तेज गरम तेल में हम अपनी सब्जी फ्राई करेंगे। अब देखिए, एकदम हॉट ऑयल में मैंने अपने दो आलू मैंने क्यूब्स में कट किए हुए हैं ये डाल दिए हैं, और एक गोभी का फूल था उसको मैंने टुकड़ों में कट किया है। इनको डाल देंगे और बिल्कुल तेज गरम तेल में डाला है मैंने इसको, और फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे इनको हमें फ्राई करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे इनको, और फ्लेम को लगातार हाई ही रखेंगे हम। एकदम गरम गरम तेल में इनको हम फ्राई कर लेते हैं, गोल्डन फ्राई करके निकालेंगे इन्हें। देखिए इस तरह से चलाते रहेंगे, तो बस हाई फ्लेम पे है सब्जियों को फ्राई करते रहेंगे। और देखिए, नमक डाल देती हूँ थोड़ा सा ताकि सब्जियाँ जल्दी से कुक हो जाएं हमारी। तो बस इनको फ्राई करते रहेंगे बिल्कुल हाई फ्लेम पर। फ्लेम को आपको बिल्कुल भी लो नहीं करना है बीच में, और लगातार चलाना है क्योंकि हाई फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं हम इसको। तो देखिए, हम अपनी गोभी को लगातार हाई फ्लेम पर चलाते हुए पका रहे हैं, और आपको गोभी को ढकना नहीं है बिल्कुल भी। ढकने से हमारी जो गोभी है सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम सी पड़ जाएगी, हमें वो नहीं करना है। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से क्या होगा कि क्रंची रहेगी ऊपर से और थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो बस इसको आप हाई फ्लेम पर इसी तरह से फ्राई करते रहिए, फ्लेम को बिल्कुल भी लो नहीं करना है। और जनरली जब बनती है ये पार्टी वाली सब्जी तो इसको डीप फ्राई करते हैं, सब्जियों को डीप फ्राई करके निकालते हैं। देखिए, मैं सिर्फ 3 टेबलस्पून ऑयल में इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, और इसीलिए हम इसको हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई कर रहे हैं। नमक तो हम इसमें ऐड कर चुके हैं, बस थोड़ी गोल्डन सी हो जाए। देखिए, थोड़ी ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है सब्जी हमारी, थोड़ी सी और ब्राउन करती हूँ और फिर इसको हम बाहर निकालेंगे और फिर बनाएंगे इसका मसाला। तो हमें सब्जी को हाई फ्लेम पर फ्राई करते हुए 4 मिनट हो गए हैं। आप देखिए, सब्जी ब्राउन होने लगी है और थोड़ी सी गलने भी लग गई है। तो हाई फ्लेम पर फ्राई करने से क्या होता है कि सब्जी की ब्राउनिंग भी हो जाती है और थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाती है सब्जी, थोड़ी क्रंची क्रंची सी। तो नमक तो इसमें ऐड कर चुके थे हम, अब जो पीस ब्राउन हो गए हैं पहले उनको हम निकाल लेते हैं बाहर। देखिए, एकदम ब्राउन हो गया ये पीस गोभी का, और जो पीस अभी नहीं हुए हैं ब्राउन उनको कुछ देर और फ्राई करेंगे। तो इस तरह से जो पीस ब्राउन हो गए हैं उनको मैं निकाल लेती हूँ पहले बाहर। इस तरह से निकालना स्टार्ट कर दिया मैंने सब्जी को बाहर। तो जो पीस ब्राउन हो गए थे उन्हें मैंने पहले बाहर निकाल लिया। अब बाकी सब्जी को भी इसी तरह हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया और इनको भी मैं बाहर निकाल रही हूँ। देखिए, सब्जी हमारी कितनी अच्छी गोल्डन फ्राई हो गई है और एकदम क्रंची हो गई है। लीजिए, हमने अपनी सारी गोभी आलू निकाल लिए हैं फ्राई करके। देखिए कितनी अच्छी गोल्डन फ्राई हो गई है। और देखिए, हमारे कढ़ाई में ऑयल बचा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इतना सा ऑयल बचा हुआ है कढ़ाई में। अब इसी ऑयल में और इसी कढ़ाई में सब्जी बनाऊंगी मैं, और ऑयल नहीं ऐड करूंगी। अब इसी ऑयल में हम सब्जी बनाएंगे अपनी। फ्लेम को मीडियम कर दिया है मैंने और डाल दिया है 1 टीस्पून जीरा। जैसे ही हमारा जीरा फ्राई हो जाएगा इसमें हम डालेंगे अदरक और हरी मिर्च। देखिए, 1 टीस्पून अदरक है कद्दूकस की हुई, और 2 हरी मिर्च को मैंने स्लिट कर दिया है। सब कुछ डाल देंगे एक साथ और इनको फ्राई कर लेंगे। जैसे मेरे अदरक और हरी मिर्च फ्राई हो गए, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 3 टमाटर जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ऐड कर देंगे और फ्राई करेंगे इनको। हमें टमाटरों को अच्छी तरह से फ्राई करना है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए कितनी इजी है सब्जी, आपको टमाटर पीसना नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी है इसमें। बस टमाटर हमने रफली चॉप कर दिए और डाल दिए इसमें और इनको फ्राई कर रहे हैं। टमाटरों को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, देखिए थोड़े सॉफ्ट होने स्टार्ट हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड करते हैं कुछ मसाले। फ्लेम को लो कर देंगे और ऐड करेंगे कुछ मसाले। मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, इससे कलर अच्छा आता है, तीखी कम होती है ये। 1 चम्मच ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, और फ्लेम को लो रखेंगे और सब मसालों को टमाटर के साथ मिक्स कर देते हैं और इनको भूनेंगे। बस 1 मिनट तक भून लेते हैं और ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। देखिए कि सब्जी कितनी सिंपल है,
बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ और सिंपल तरीके से हम सब्जी बना रहे हैं अपनी, बिल्कुल पार्टी स्टाइल सब्जी बनेगी। अब देखिए 3 मिनट हो गए हैं, हमारे टमाटर, हमारे मसाले सब कुछ अच्छी तरह भुन गए हैं। देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, देखिए कढ़ाई को एकदम छोड़ रहा है। तो बस ध्यान रखिए मसाला जलना नहीं चाहिए हमारा और बहुत अच्छी तरह भुन जाना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, देखिए एक छोटी कटोरी दही है, यानी कि हाफ कप दही होगा, गाढ़ा दही है आधा कप, और डाल देंगे इसमें और मिक्स करेंगे। और अब हम दही ऐड करने के बाद हमें लगातार चलाना है, अगर इसको छोड़ देंगे हम तो दही जो है फट जाएगा, तो आपको लगातार चलाना है। फ्लेम को हाई कर दीजिए इस समय और इसको लगातार चलाते हुए पकाइए जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए, इसको हम चलाते रहेंगे। तो इस तरह आप चलाते रहेंगे तो आपका दही फटेगा नहीं बिल्कुल भी। अब देखिए हमने इसको लगातार चलाते हुए पकाया था और देखिए दही भी हमारा भुन चुका है और हमारे मसाले से ऑयल अलग होना स्टार्ट हो गया है, तो यानी कि हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। तो मसाले को आपको बहुत अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि हमारे मसाले से ऑयल अलग होना स्टार्ट ना हो जाए। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपने आलू गोभी जो हमने शैलो फ्राई करके रखे हुए हैं पहले से। आलू गोभी हमने 90% पहले ही कुक कर लिए थे, अब इनको मसालों में हमने मिक्स कर दिया। अब देखिए आलू गोभी को हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो आलू गोभी को हमने पहले ही सॉफ्ट कर लिया था जब हमने इसको शैलो फ्राई किया था, तो 90% तो ये पहले ही कुक हो चुकी थी। अब बस मसाले के साथ थोड़ी देर और कुक करेंगे इसको। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, तो बस हाफ कप पानी ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा। अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं और कुक करेंगे कुछ देर इसको। फिर थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ मैं बस। अब इसको हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे कुछ देर तक। देखिए मिक्स कर दिया, अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। आप सब्जी को 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं सब्जी के आपस में मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। सब्जी हमारी सॉफ्ट तो पहले ही हो चुकी थी जब हमने शैलो फ्राई किया था, बस सारे फ्लेवर्स मिक्स हो जाएं, सब्जी हमारी रेडी हो जाएगी। सब्जी को ढक के हमने रखा था मीडियम फ्लेम पे, अब इसे खोल के चेक कर रहे हैं। अब देखिए सब्जी हमारी बहुत ही बढ़िया सी तैयार लग रही है बिल्कुल, और आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल सब्जी के ऊपर लिपट गया है और कलर कितना सुंदर आया है सब्जी का। तो देखिए बहुत ज़रूरी स्टेप है कि जब हम सब्जी को शैलो फ्राई करेंगे उस समय आप सब्जी को 90% कुक कर लीजिए, क्योंकि बाद में हम खट्टे टमाटर ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे, तो सब्जी हमारी फिर कुक नहीं होगी, गोभी हमारी सॉफ्ट नहीं होगी उसके बाद। तो इसको पहले ही आप कुक कर लीजिए 90% और फिर मसाले में ऐड कीजिए और फिर 10% बाद में कुक हो जाएगी। तो इस तरह से सब्जी हमारी बहुत बढ़िया तैयार हुई है, देखिए बिल्कुल मसाला लिपट गया है सब्जी के ऊपर और बहुत टेस्टी लग रही है। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया और मैं ऐड कर रही हूँ खूब सारा हरा धनिया। तो गोभी की सब्जी में हरा धनिया जरूर डालिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। अब 1 चम्मच ऐड कर रहे हैं गरम मसाला पाउडर, मिक्स कर देंगे हल्के हाथ से। बढ़िया सी सब्जी को मैं बोल में निकाल लेती हूँ और आपने देखा है सब्जी बनाना कितना ईजी है। इसमें हमने कोई काजू क्रीम कुछ ऐसी चीज ऐड नहीं की है, बस बेसिक मसालों के साथ और बस आलू गोभी को हमने शैलो फ्राई किया थोड़े से ऑयल में और सब्जी हमारी तैयार हो गई है। बहुत ऑयल भी नहीं है इसमें और आपको टमाटर को पीसना भी नहीं है, बस कट किया, मसाले मिलाए और बस आलू गोभी मिक्स कर दी। और देखिए तो लीजिए फ्रेंड्स सब तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी सी गोभी, जिसको हमने बहुत ही झटपट बना लिया है और आपने देखा हमने कितने कम बेसिक मसालों के साथ इसे बनाया है और मैंने इसमें बहुत कम ऑयल यूज़ किया था, मैंने इसको डीप फ्राई नहीं किया है। और सब्जी हमारी शादी स्टाइल, पार्टी स्टाइल या ढाबा स्टाइल, आप इसे कुछ भी कहिए, सब्जी हमारी बहुत टेस्टी बनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सब्जी पसंद आई होगी। मिलूंगी जल्दी ही ऐसी ही टेस्टी रेसिपी के साथ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।